अलीजा सहर है ना, ये एक बहुत मासूम सी लड़की थी के भाई को कॉल की है, तो उनके भाई ने ये बताया कि अलीजा ने किसी किस्म की कोई सुसाइड नहीं की, ओनली उसने गलत खबर जो है वो लगाई है, ये अनमैरिड शादी नहीं हुई भी। जहां तक मैंने नोट किया है, इनको वाकई में मशहूर होने का बहुत शौक है स्टार्टिंग से, क्योंकि जब मैंने इनसे पूछा कि आपको कभी फिल्म क्या ऑफर हुई है, तो इन्होंने कहा कि जी अगर हुई तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूंगी। ये कुछ हिडन वीडियोस बनाती थी जो कि अपना फेस ज़ाहिर नहीं करती थी, सिर्फ मेहंदी वाले वीडियोस लगा के उनको ये अपलोड कर दिया करती थी, उसके बाद उनको व्यूज़ नहीं आते थे उस पर। तो फिर इन्होंने सोचा कि मैं अपने वालदैन से परमिशन लेकर क्यों ना अपना जो फेस है वो रजिस्टर्ड कराऊँ, हो सकता है कि इससे कोई फ़ायदा हो सके। तो जब इनका फेस रजिस्टर्ड हुआ तो उसके बाद इनको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा, पसंद किया। इस 15-20 मिनट के बाद इन्होंने अपनी कम्युनिटी से मेरा इंटरव्यू रिमूव कर दिया। तो इन्होंने मुझे कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपको मैं बुलाती रही लेकिन आपने मेरी बात नहीं ठीक तरह से सुनी। इंटरव्यू के बाद तकरीबन 2 दिन मेरे साथ रबते में रही हैं, पूछती रही हैं कि एक इंटरव्यू आपने अपलोड कर दिया, दूसरा कब करेंगे। दोस्त थी उनके डेरे पे, हम ब्लॉग रिकॉर्ड करने जा रहे थे, तो जाते जाते हमें रास्ते में भी कुछ लड़कों ने टीज किया। पहले पहले मुझे बहुत अकवर्ड लगता था, बुरा लगता था, लेकिन अब आई एम यूज्ड टू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, आपने कल रात से सोशल मीडिया पे खबर बहुत ज्यादा वायरल देखी होगी कि एक टिकटॉकर और व्लॉगर करके एक खातून है, अलीजे सहर उसका नाम बताया जा रहा है, कल रात से उनकी कोई जो है वीडियो कुछ वायरल हुई हुई है ना ज़ेबा, और वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़ेरे बहस है। और उसके बाद आज एक अफसोसनाक खबर आती है जिसमें पता नहीं कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि खातून ने शायद सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की है, इस वक्त हॉस्पिटल में है। इस वक्त हमने दावत दे रखी है, उसामा इरशाद एंकर हैं, एक यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले इन्होंने अलीजे सहर के साथ एक इंटरव्यू किया उनके घर जाके, तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने इंटरव्यू में क्या देखा, क्या उनका लाइफस्टाइल है, क्या मामला था, और इन्होंने जब इंटरव्यू किया तो किस तरह से पूछे, और उस खतून की असल में कहानी क्या, क्योंकि कल रात तक मुझे उस खतून का नहीं पता था। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम हमजा भाई, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उसामा, कैसे हैं आप? सब खैरियत है, थैंक यू सो मच आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया मुझे। सर उसामा भाई, मुझे सबसे पहले बताइएगा, कल मैं देख रहा था रात को आपने स्टेटस लगाया कि आपने कोई 1 साल पहले उस खातून का इंटरव्यू किया था और आपने कुछ साथ और भी बातें लिखी थी, तो मुझे ये बताएं कि किस तरह से इस खातून तक पहुंचे, इसका लाइफस्टाइल क्या था, और इनकी मतलब कि मुझे कल रात से पहले तक इनका नहीं पता था, ये असल में किस तरह का कंटेंट करती थी और क्या मामला था। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने इनवाइट किया। अलीजा सहर जो कि एक मशहूर व्लॉगर है पंजाबी, जो पंजाब का माहौल दिखाती हैं पूरी दुनिया को, और इसी माहौल से इनको पज़ीराई मिली, लोगों ने इनको प्यार दिया, और जिस तरह ये कंटेंट बनाती हैं लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं। सबसे पहले ये कुछ हिडन वीडियोस बनाती थी जो कि अपना फेस ज़ाहिर नहीं करती थी, सिर्फ मेहंदी वाले वीडियोस लगा के उनको ये अपलोड कर दिया करती थी, उसके बाद इनको व्यूज़ नहीं आते थे उस पर। तो फिर इन्होंने सोचा कि मैं अपने वालदैन से परमिशन लेकर क्यों ना अपना जो फेस है वो रजिस्टर्ड कराऊँ, हो सकता है कि इससे कोई फ़ायदा हो सके। तो जब इनका फेस रजिस्टर्ड हुआ तो उसके बाद इनको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा, पसंद किया, इनकी जो वीडियोस थी उनको पसंद करना शुरू कर दिया। फिर उससे इनको जो परवान चढ़ा, इन्होंने सबसे पहले जो वीडियो बनाई तकरीबन 14 मिलियन उसके व्यूज़ आए, वो थी भैंस का ये दूध बना रही थी, तो वो उस वीडियो से इनको जो काफ़ी ज़्यादा पसंदीदाई हासिल हुई। अच्छा, ये क्या मतलब कि विलेज लाइफ दिखाती थी कि गाँव में किस तरह से ज़िंदगी बसर होती है? जी हमजा भाई, असल भाई ये बहुत बैकवर्ड इलाके से हैं, हासिलपुर का एक चक है, मुझे चक नंबर ठीक तरह से याद नहीं है, उसमें ये रहती हैं, और उस बैकवर्ड इलाके में रहकर इन्होंने ये सारी मेहनत की है, और जिस तरह ये वीडियोस बनाती हैं तो लोग इनको पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का भी और हमारे हमसाया मुल्क का भी मतलब कि जो विलेज का माहौल है वो बहुत से शहर में रहने वाले लोग देखते हैं कि गाँव में ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। इनको इंडिया में बहुत ज्यादा इनकी फैन फॉलोइंग है, 80% लोग इनको इंडिया से देखते हैं, और आप ये सोचिए कि जिनको इंडिया से इतनी व्यूअरशिप हासिल होती होगी तो फिर उनका अर्निंग का सोर्स भी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आप इनके घर गए तो इनका लाइफस्टाइल क्या था, और
और क्या ये खातून मैरिड थी, क्या इनके मतलब कि फैमिली में कौन कौन था, क्योंकि आप मेरा ख्याल इनके घर गए थे इंटरव्यू करने। जी अली भाई, मेरा इनसे इंस्टाग्राम पे रब्ता हुआ था। मुझे मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि जी ये आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है, आप इनका इंटरव्यू क्यों नहीं करते। तो मैंने बाय चांस इनको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, मैं भी एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ आपकी तरह, तो इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ टाइम दे। तो एक दो दिन बाद मुझे इनका इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि जी आप ये नंबर है, आप इनसे कोऑर्डिनेट कर लें, तो जैसे ही आपको टाइम देंगे तो आप आ जाइएगा। तो बिलाकर मुझे तकरीबन एक हफ्ते के बाद इन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बस स्टैंड था, वहाँ मैं उतर गया तो इनके भाई ने मुझे रिसीव किया, तो फिर ये इनके भाई मुझे अपने घर ले गए। तो इनका घर इसी तरह के तकरीबन 3 से 3.5 मरले के दरम्यान इनका घर है, एक कमरा, एक स्टोर, एक किचन और एक वाशरूम है इनके जो घर के अंदर। तो यही जब आपने ये इंटरव्यू किया तो तब ये इतनी एस्टैब्लिश नहीं थी या अभी इनका लाइफ स्टाइल, मुझे कितने बताया कि अब तो माशाल्लाह वो बड़े एस्टैब्लिश हैं, घर बार गाड़ी अच्छी ली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, तब एस्टैब्लिश थे लेकिन इनका जो घर था अंडर कंस्ट्रक्शन था, रह ये 3 मरले के घर में रहे थे। लेकिन उस वक्त मुझे इन्होंने अपना नया घर भी दिखाया जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, कंप्लीट नहीं हुआ था, ये रिसेंट अभी 6 हुए इनके घर को कंप्लीट हुए। अच्छा, उसामा भाई रात को आपने एक स्टेटस लिखा था, मैं ये आप अगर बात नहीं भी करना चाहें तो इस पे मसला कोई नहीं, आपने कहा कि उस इंटरव्यू के बाद वो खतून आपके साथ रابطے में रही, कुछ गैर जरूरी मैसेज कर रही थी तो आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो क्या मामला? भाई इस तरह था कि इन्होंने मेरा, जब मैंने इनका इंटरव्यू किया तो इन्होंने अपनी कम्युनिटी में मेरा इंटरव्यू लगा दिया, तो ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, तकरीबन 15-20 मिनट के बाद इन्होंने अपनी कम्युनिटी से मेरा इंटरव्यू रिमूव कर दिया। तो जब मैंने इनसे पूछा कि आपने मेरा इंटरव्यू रिमूव क्यों किया, तो इन्होंने मुझे कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपको मैं बुलाती रही लेकिन आपने मेरी बात नहीं ठीक तरह से सुनी। तो इसका क्या मतलब था? आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मैंने कहा यार इन्होंने मेरा रिमूव कम्युनिटी से क्यों किया। तो जब मैंने पूछा तो इन्होंने ये जवाब दिया कि जब आपने मेरा ठीक से इंटरव्यू नहीं किया, आपने मेरी ठीक से बात नहीं सुनी। अच्छा, क्या मतलब कि इंटरव्यू के बाद आपके साथ रابطے में भी थी? इंटरव्यू के बाद तकरीबन 2 मेरे साथ रابطے में रही हैं, पूछती रही हैं कि एक इंटरव्यू आपने अपलोड कर दिया, दूसरा कब करेंगे, क्योंकि हमने 3 इंटरव्यू इनके रिकॉर्ड किए थे, एक इनके पेरेंट्स का था, एक इनके भाइयों का था, एक इनका खुद का था। तो 3 इंटरव्यू, अच्छा। एक इनका मैंने अपलोड कर दिया था, फिर उसके बाद इन्होंने मेरी पूछते रही कि मेरे फैमिली का कब होगा और मेरे भाइयों का जो आपने ब्लॉग बनाया था वो कब होगा, तकरीबन 3-4 दिन के बाद बात हुई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनकी फैमिली में कौन कौन है, क्योंकि मैं इस खातून को नहीं जानता था, क्या ये मैरिड हैं वालदैन के साथ थी, क्योंकि एक दो वीडियो देखे उसमें कोई एक छोटी बच्ची मैंने साथ देखी हुई है, मुझे नहीं पता, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जानता, मैं माजरा चाहता हूँ, लेकिन मैंने इनको नहीं देखा हुआ था कॉन्टेंट, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। हमजा भाई, ये 3 इनके भाई हैं और 2 ये बहन हैं। अच्छा, जो इन्होंने मुझे बताया, इनका सबसे बड़ा भाई है ओन सईद, उनसे छोटी ये खुद हैं अलीजा, फिर उनसे अच्छा। छोटे 2 भाई हैं और 2 भाइयों से छोटी इनकी छोटी बहन है, वो जिनको आप बच्ची कह रहे हैं वो इसकी बहन है, ये अनमैरिड, अच्छा, है, शादी नहीं हुई भी। अच्छा, तो मतलब कि आप बता रहे हैं कि बड़ा बैकवर्ड एरिया था, मतलब कि छोटी गांव से निकल के उन्होंने बिल्कुल नाम बिल्कुल और... इवन के हम एक जगह, एक इनके मेरा ख्याल है इनकी कोई दोस्त थी, उनके डेरे पे हम ब्लॉग रिकॉर्ड करने जा रहे थे, तो जाते जाते हमें रास्ते में भी कुछ लड़कों ने टीज किया इस तरह का इलाका। अच्छा। था, ये मोटरसाइकिल पे थी और हम अपने दूसरे मोटरसाइकिल पे थे, ये अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पे थी, तो इनको काफी लड़के ना मतलब देर के ना हुटिंग कर रहे होते थे, तो ये मतलब नोट किया। आप ये बता रहे हैं कि जब आप वीलॉग रिकॉर्ड करने गए थे तब भी इलाके के जो लोग थे वो मतलब कि हमारा एक कल्चर है कि हम खतून को उस तरह से सपोर्ट नहीं करते, तो वो टीज कर रहे थे या मजाक की बिल्कुल मजाक उड़ा रहे थे, हुट कर रहे थे, हुटिंग कर रहे थे कि यार वो देखो वो अलीजा जा रही है। तो उसके साथ फिर इनसे जब मैंने पूछा कि ये आपको जब तंग करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता, तो इन्होंने मुझे बताया कि पहले पहले मुझे बहुत अकवर्ड लगता था, बुरा लगता था, लेकिन अब आई एम यूज्ड टू हो गई हूँ, तो अब कोई असर नहीं होता। क्योंकि जब मतलब कि ये खातून माशाल्लाह इतनी काबिल थी कि एक छोटे से घर से उन्होंने इतना कुछ कमाया, इतना कुछ बनाया, एक कम्युनिटी बनाई, उनके पता नहीं बता रहे 15-20 लाख सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो उस खातून को क्या ये नहीं पता था कि उसने मतलब कि किसी के साथ भी इस तरह की वीडियो नहीं शेयर करनी, क्योंकि वो खातून खुद भी सोशल मीडिया को जानती थी,
क्या लगता है कि क्यों, मतलब कि ये जो खवातीन होती हैं क्यों ऐसे गलत शख्स पे इतबार कर बैठती हैं, क्या लग रहा है आपको? मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ हमजा देखिए। भाई, मुझे लगता है कि ये जो अलीजा सहर है ना, ये एक बहुत मासूम सी लड़की थी और इसको सोशल मीडिया का कुछ भी नहीं पता था। इवन के इनकी इंस्टाग्राम की जो पोस्ट थी वो तीन चार उनको मैंने ठीक करके दी थी कि आपकी पोस्ट ठीक नहीं है, उन पे ये ना लिखें, उसका बुरा इंप्रेशन पड़ सकता है। तो इनको मतलब ही इज नॉट अवेयर ऑफ दिस सोशल मीडिया। तो हो सकता है कि जो इनका जिससे ये बात कर रही हो वो सोशल मीडिया का उसको जानता हो और उसने इसको बताया भी ना हो कि इस तरह भी हो सकता है। तो ये बेचारी उसके बहकावे में आ गई, उसकी बातों में आ गई, तो अपने आप को गलत इस्तेमाल करवा बैठी। तो अब उसामा भाई, गलती सुधारी बहरहाल हो चुकी। मैं आपसे सिर्फ एक बात, मतलब कि मैं सिर्फ आपसे सिर्फ ये अपना दुख शेयर कर रहा हूँ कि आजकल के दौर में तो किसी पे इतबार नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है, आप खवातीन हैं, आप मर्द हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, आज के जमाने में तो एक तो इतबार नहीं करना चाहिए। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि ये खातून इतनी काबिल थी कि उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना आप मनवाया, नाम बनाया, और उनको ये नहीं पता था कि इसका लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं। आपने इससे बचना भी है, आपने अपनी प्राइवेसी के सामने नहीं लानी। अब इसके बारे में तो वो खुद बता सकती हैं, अब मैं तो नहीं बता सकता। कोई बिल्कुल पता किया उनके किसी फैमिली मेंबर से कि क्या अपडेट्स है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कोई सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश है, ये सारी जी सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं। जी जी हमजा भाई, मेरे एक दोस्त हैं आमिर अब्बास, उनसे मेरा रब्ता हुआ। तो वो उनके जरा थोड़े करीबी हैं, उन्होंने उनके भाई को कॉल किया। तो उनके भाई ने ये बताया कि अलीजा ने किसी किस्म की कोई सुसाइड नहीं की, ओनली उसने गलत खबर जो है वो लगाई है, बॉल ने गलत खबर रिपोर्ट की है। गलत खबर रिपोर्ट की। और आई हैव उनकी रिकॉर्डिंग आई है मेरे पास ऑन साइट, खातून उनके की, भाई की, अच्छा उनके भाई। उनके भाई की रिकॉर्डिंग आई है मेरे पास कि हमें नहीं पता आप क्या किसकी बात कर रहे हैं, बोल ने गलत खबर लगाई है, उन्होंने कोई सुसाइड नहीं की। फैमिली किस कर्ब में है, कोई पता लग सके हो? मेरा फैमिली के साथ रापता नहीं है, लेकिन मैं उनके भाई को कॉल करता रहा हूँ। सुबह उनको मेरे नंबर से कॉल गई है, उन्होंने अटेंड नहीं की, तो अभी तक उनका नंबर अब बंद जा रहा है। तो आई वॉज ऑल्सो क्यूरियस अबाउट हर हेल्थ, ये मैं जान सकूँ, लेकिन अभी तक रापता नहीं हो सकता। और अभी अभी रिसेंटली 9:30 बजे उनका एक ब्लॉग भी उनके चैनल पे पब्लिश हो चुका हुआ है विदाउट कमेंट्स, कमेंट्स को ऑफ कर दिया गया। अच्छा, वो खातून का जी बिल्कुल। अभी वो क्या बता सकती हैं। बहरहाल मैं तो इस चीज को ये समझता हूँ कि हम लोग बहसते कौम, हम लोग, मैं क्या कहूँ कि हम लोग एक गलत कल्चर को सपोर्ट करते हैं कि अगर किसी खातून की वीडियो वायरल हो गई है, भाई उसको दबाएं। इरशादे बारी ताला कि आप किसी की बुराई देख लें या किसी की कोई किसी के मतलब कोई गलत चीज आपको पता है तो उस पर पर्दा डालें, क्योंकि अल्लाह पाक मतलब कि आप हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि किसी खातून की वीडियो निकल जाए, हम बजाय कि उसको दुबाने के, रोकने के, उसको शेयरिंग करते हैं, उस पर तरह तरह के वीडियो करते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं और उसके चस्के लेते हैं। बहरहाल ये गलत जो है, मेरा ख्याल है कि प्रेजिडेंट थ्रेट है, हमें वैसे कौम इसको समझना चाहिए कि, और मेरा ख्याल है कि मैं तमाम बहन बेटियों से दरख्वास्त ये कर सकता हूँ हाथ जोड़ के कि बेटा ये जो आज का ज़माना है इस पे किसी पे इतबार नहीं करता। इवन कि मैं खवातीन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो मोबाइल है इस पे आप अपने किसी शरई रिश्ते के सामने भी कोई ऐसी बात ना करें। तो अभी वो पता लग सके किस शख्स के साथ थी या वो किसने वायरल की, क्योंकि इसके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। जारी बात है अली भाई, मुकम्मल तौर पर जो सबूत हैं वो उसके साथ इकट्ठे करने चाहिए, इनको FIA में रिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि एक इज्जतदार खातून जो कि पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है ना, वो उसको बदनाम करने की कोशिश की गई है, तो उसके जो खिलाफ अच्छा भरपूर एक्शन होना चाहिए ताकि इससे कुछ ना कुछ अफादा हो कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना करे। बहुत शुक्रिया उसामा, शाह हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे थे कि बहुत छोटे से घर से उन्होंने शुरुआत की, और मैं इस चीज़ को बड़ा दाद देता हूँ कि एक छोटे से घर से निकल के और आप इंटरनेशनली जो है लोगों को अपना कंटेंट दिखा रहे हैं और पैसा भी अर्न कर रहे हैं, अपना नाम भी बना रहे हैं, फेम भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन वल्लाह आलम हम लोग कहाँ पे, ये कुछ स्कूल में ट्रेनिंग। जी 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 साहब, जी साहब, वन थिंग मोर अली भाई,
जब इनकी कुछ वीडियो सुबह सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी तो मुझे कुछ मेरे जानने वालों ने कॉल की, तो उन्होंने कहा कि उसामा ये जिस इलाके से है वो बहावलपुर का इलाका है, और वहाँ पर कबायली जो होते हैं ना, जो जिरगा टाइप होता है, तो हो सकता है कि ये अब उसको नुकसान पहुंचा दे कि तुमने हमारे अल्लाह इलाके रहम का नाम करे, बदनाम हमारे किया। यहाँ यहाँ पे इदारे तो मौजूद हैं और जिस अंदाज में वो वायरल हुई है तो तमाम इदारे भी इस चीज़ की हसासियत को समझते हैं कि यहाँ पे मेरा ख्याल है कि वो अल्लाह ना करे इस तरह की कोई नौबत आए। बिल्कुल मुझे बिल्कुल इख्तिताम पे सिर्फ ये बता दें कि कुछ लोग, जाहिर बात है, जब भी कोई इस तरह की चीज़ वायरल होती है तो अजीबो गरीब कमेंट्स कर रहे होते हैं। आपने इनसे मिलके क्या महसूस किया कि जो ये अलीजे साहब थी उन्हें मशहूर होने का शौक भी था, या क्या इनकी क्या परसेप्शन क्या थी? जहाँ तक मैंने नोट किया है, इनको वाकई में मशहूर होने का बहुत शौक है स्टार्टिंग से। क्योंकि जब मैंने इनसे पूछा कि आपको कभी फिल्म क्या ऑफर हुई है, तो इन्होंने कहा कि जी अगर हुई तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी, और पाकिस्तान फिल्म में मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ, ये मेरा ख्वाब है, ये मेरी ख्वाहिश है। तो जब और मैंने ये इनसे अपने क्वेश्चन पूछा, फैमिली वाले की, फैमिली की इजाजत के साथ ही ये वीडियोस और कंटेंट बिल्कुल, वगैरह कर रहे हैं। यहाँ यहाँ अली भाई एक और बात क्लियर कर दूँ कि इसकी फैमिली ने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इसकी फैमिली, इसके पेरेंट्स ने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। लेकिन तो इस वक्त फैमिली भी बहरहाल परेशान होगी, अब क्या करेंगे इसी तरह से। थैंक यू सो मच उसामा, आपने हमें ज्वाइन किया और हमसे बातचीत की। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था और पैगाम यही है कि बेटियों से, बहनों से, कि आप जो मर्जी करें पाकिस्तान का नाम रोशन करें, लेकिन किसी पर एतबार ना करें। और जो दूसरे सोशल मीडिया के व्यूअर्स हैं, खुदा का वास्ता, कभी किसी की इस तरह की वीडियो निकल आए तो उसको एक मौका दें, उसको रिपोर्ट करें, उसको ब्लॉक करें, उसको शेयर ना करें, उसको मजीद मत फैलाएं, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर इस प्रेशर से उसने कोई भी नुकसान अपने आप को पहुंचा लिया तो उसके जो जुर्म के जिम्मेदार आप भी होंगे, मैं भी होगा। तो खुदा का वास्ता है, वैसे से कौम हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमने इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना, इसको रोकना है। तो ये नाज़रीन आज का जो है प्रोग्राम था, अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान और उसामा इरशाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह उसामा हाफिज, भाई बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू सो मच शुक्रिया आपने अली हमारे लिए भाई। टाइम।